हाय फ्रेंड, गाड़ी आज हमारे पास जीप कंपस डीजल इंजन। गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है कि जब भी गाड़ी को सेल्फ मारता हो तो इंजन से एक जोर से आवाज़ आती है और उसके बाद रहती भी है, गड़गड़ गड़गड़ गड़ करती है गाड़ी। तो एक बार अंदर से सेल्फ मार के देखते हैं। तो यहाँ से तो मालूम नहीं पड़ेगा, वापस से दिखाता हूँ। इंजन को स्टार्ट किया मैंने और बाहर से देखेंगे तो आवाज़ आ रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो मैं बोनट खोलता हूँ। यहाँ पे इसका बोनट का हुक आता है, खोल दिया मैंने। यहाँ पे राइट साइड से देखेंगे तो अल्टरनेटर का, इधर से हमारा जो अल्टरनेटर है बैटरी चार्जर, देख सकते हो कितना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा है। गाड़ी एक बार बंद करते, गाड़ी बंद करो, मारो सेल्फ स्टार्ट करो गाड़ी। यहाँ पे अभी इंजन को स्टार्ट करेंगे। करो देख सकते हो कितना जोर जोर से आवाज आ रहा है, बंद कर दो। तो अभी इसका सबसे पहले बेल्ट उतारेंगे और बेल्ट उतार के चेक करेंगे कौन सा बैरिंग गया है, क्योंकि जीप कंपस में अल्टरनेटर का पुल्ली का ज्यादा प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे देख सकते हो उसका लोकेशन है अल्टरनेटर का। तो अभी हम लोग इसका सबसे पहले बेल्ट उतारेंगे और बेल्ट उतारने के बाद देखेंगे अल्टरनेटर का आवाज़ है या किसका आवाज़ है, क्योंकि इसका पुल्ली बहुत ख़राब होता है अल्टरनेटर का। तो अभी हम लोग इसका बेल्ट उतारेंगे, सबसे पहले जैक लगाएंगे राइट साइड में। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले कवर खोलना पड़ेगा, तो अभी कवर को खोल लेता हूँ मैं नीचे का पूरा बेल्ट उतारने के लिए। तो जो कवर है प्लास्टिक का, ये खोलेंगे और उसके बाद फिर बेल्ट उतार के देखेंगे कि हमारा कौन सा टेंशनर कौन सा बैरिंग गया है, उसके बाद ही कंफर्म होएगा। तो ये कवर को मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रू है और यहाँ पे बोल्ट है 10 नंबर के, ये खोल के बाहर निकाल लेता हूँ मैं, उसके बाद बेल्ट उतारेंगे। यहाँ पे सब खोल दिया है और अब इसका बेल्ट उतार लेंगे। यहाँ पे बेल्ट का टेंशनर है, 14-15 का पाना लगता है और इसको ऐसा करेंगे तो बेल्ट देख सकते हो जंप हो रहा है। और बेल्ट उतारेंगे, बेल्ट उतारो, बेल्ट उतारो ना, कहीं से भी उतार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे बेल्ट उतार दिया हम लोगों ने और अभी पुल्ली चेक करेंगे। तो ये पुल्ली बराबर है, कंप्रेसर का भी बराबर है, अल्टरनेटर का देखेंगे। मेरे को अल्टरनेटर के ऊपर डाउट है, इसको लॉक करके चेक करेंगे। एक साइड फ्री और एक साइड जाम रहना चाहिए, लेकिन ये दोनों साइड में जाम है और जो हमारा आवाज़ आ रहा था इसका ही आ रहा है। ये जो अल्टरनेटर का पुल्ली है इसका ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हाथ में मालूम पड़ रहा है वो। तो इसको खोलेंगे और इसका पुल्ली रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने बेल्ट उतार दिया है और अभी गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे ये आवाज़ आ रही है क्या। अभी आवाज़ नहीं आना चाहिए पहले के जैसा। तो अभी देख सकते हो गाड़ी हमारी एकदम साइलेंट हो गई है, क्योंकि जो हमारा प्रॉब्लम है अल्टरनेटर का पुल्ली का प्रॉब्लम है। बंद करो, बंद करो। तो जो हमारा प्रॉब्लम है अल्टरनेटर पुल्ली का प्रॉब्लम है, बेल्ट उतार रहा है तो आवाज़ हमारा बंद हो गया है। तो अभी हम लोग अल्टरनेटर इसका खोलेंगे और इसका पुल्ली रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर के दोनों बोर्ड खोल दिए अल्टरनेटर का ब्रैकेट का, देख सकते हो आप लोग, ये दोनों बोर्ड खोल के निकाल दिए। और अभी नीचे का खोलेंगे, नीचे में एक बोल्ट है यहाँ पे और पीछे वायर का बोर्ड खोल लेंगे दोनों। एक सॉकेट रहेगा और एक 12 का बोल्ट रहेगा नट, जो कि मेन वायर रहता है। तो खोल लेंगे उसको भी अच्छे से। अभी हम लोग इसका नीचे का बोर्ड खोल रहे हैं, देख सकते हो लूज कर दिया मैंने और अल्टरनेटर हमारा हिलने लगा है। और ये खोल के अभी देखते हैं पॉसिबल कहाँ से है, क्योंकि ये निकलता नहीं है जल्दी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे ऑयल फिल्टर है और ये हमारी जो मेन पुल्ली और ऊपर माउंटिंग है, तीन बोर्ड,
वो लूज करने के पड़ते हैं, उसके बाद ही निकलता है हमारा अल्टरनेटर। तो अभी मैं इसको अल्टरनेटर पहले खोल देता हूँ, देखते हैं ऊपर से निकलता है क्या, ट्राई करेंगे। अगर ऊपर से निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पुल्ली और ये ऑयल फिल्टर हमको खोलना ही पड़ेगा। तो अभी तो मैं पहले बोर्ड खोल लेता हूँ ये वाला। तो गाइस अल्टरनेटर मैंने खोल दिया है, लेकिन निकालने के लिए वो निकलेगा नहीं ऐसे, ऑयल फिल्टर और मेन पुल्ली खोलना पड़ेगा और ऊपर का माउंटिंग लूज करना पड़ेगा, तो ही जाके हमारा अल्टरनेटर बाहर आएगा। तो अभी मैं इसका ऑयल फिल्टर खोल दिया और देख सकते हो ऑयल फिल्टर मैंने खोला है और मेन पुल्ली भी खोलना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 बोर्ड खोलेंगे तो मेन पुल्ली बाहर आ जाएगा और ऊपर का माउंटिंग खोलना पड़ेगा। 3 बोर्ड लूज करेंगे तो इंजन थोड़ा डाउन होएगा नीचे और उसके बाद हमारा अल्टरनेटर बाहर आएगा। तो अभी मैं इसको खोल के बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने मेन पुल्ली भी खोल दिया है, यहाँ पे मेन पुल्ली खोल दिया, ऑयल फिल्टर खोल दिया, अल्टरनेटर तो पहले से खोल के छोड़ा हुआ है। 1 बोर्ड नीचे आता है, 2 बोर्ड ऊपर आते हैं और यहाँ पे ऑयल फिल्टर। और अभी निकालने के लिए हमको इंजन डाउन करना पड़ेगा। इंजन डाउन करने के लिए यहाँ पे जो 3 बोर्ड है माउंटिंग के, ये देख सकते हैं आप लोग, ये तीनों लूज करने पड़ेंगे, उसके बाद इंजन डाउन होएगा, उसके बाद हमारा अल्टरनेटर बाहर आएगा। तो अभी इसको मैं लूज करता हूँ थोड़ा और फिर आपको अल्टरनेटर निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी उसका एक टेंशनर भी खोलना पड़ रहा है, तो टेंशनर भी खोल के निकाल लेते हैं। टेंशनर खोलेंगे तो और ईजी हो जाएगा, ये देख सकते हो टेंशनर खोल के निकाल दिया है। और अभी अल्टरनेटर को बाहर लेंगे, तो अभी इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको निकालने के बाद दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे अभी हम लोग अल्टरनेटर निकाल रहे हैं, माउंटिंग वगैरह सब खोल दिया है, ऊपर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तीनों माउंटिंग बोर्ड खोल के इंजन पूरा डाउन किया हुआ है और अभी नीचे से अल्टरनेटर निकाल रहे हैं। मेन पुल्ली भी खोला है उसका, टेंशनर भी खोला है, ऑयल फिल्टर भी खोला है और अभी इंजन पूरा डाउन करके नीचे अभी अल्टरनेटर निकाल रहे हैं हम लोग इसका, देख सकते हो आप लोग। तो अभी हम लोग इसका अल्टरनेटर निकाल रहे हैं, देख सकते हो यहाँ से बाहर आ गया। ये है हमारा अल्टरनेटर। और अगर नीचे से ज़्यादा तकलीफ होती है तो जैक अपना माउंटिंग खोल के इंजन नीचे डाउन करके यहाँ से भी निकाल सकते हो, ऊपर से देख सकते हो ऊपर से भी जगह हो गया, लेकिन नीचे से भी आसानी से निकल जाता है, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन आपको माउंटिंग, ऑयल फिल्टर और हमारा मेन पुल्ली खोलना ही पड़ेगा टेंशनर, तो ही आके निकलेगा। और यहाँ पे भी गैप ज़्यादा हो गया, तो अभी इसका पुल्ली चेक करेंगे। इसको डाल दो, यहाँ पे इसको लॉक करता हूँ और इसका जो प्रॉब्लम है देखेंगे, देख सकते हो इधर भी जाम है और इधर भी जाम है। जो हमारा पुल्ली है ना, वन साइड फ्री और वन साइड जाम होना चाहिए, दोनों साइड जाम ही है। और ये आवाज़ देखो, आवाज़ देखो यही आवाज़ हमारे इंजन में आ रहा था, ये देख सकते हो आप लोग, यही आवाज़ हमारे इंजन में आ रहा था। तो ये पुल्ली को रिप्लेस करेंगे, पुल्ली हमारा ख़राब हुआ है। यही आवाज़ है, तो पुल्ली ख़राब है, पुल्ली रिप्लेस करेंगे सबसे पहले और उसके बाद फिटिंग करके देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसका पुल्ली खोल रहे हैं, अल्टरनेटर छोटा करके खोलेंगे क्योंकि टूटने का डर रहता है वो। फाइनली हम लोगों ने पुल्ली चेंज कर दिया है, आप लोग देख सकते हो कि हमारा जूना पुल्ली जो कि टूट गया है पूरा, इसके लिए आवाज़ आ रहा था। और जो पहले आवाज़ आ रहा था हमारा ऐसे करने पे, वो भी अभी चला गया है। और जो प्रॉब्लम था हमारा वन साइड लॉक होने का और वन साइड चलने का, उसको लॉक करो, एक साइड में फ्री होना चाहिए और एक साइड में हार्ड होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पुल्ली घूम रही है लेकिन अंदर का रोटर नहीं घूम रहा है। अभी आगे के साइड में देखेंगे तो हमारा रोटर घूम रहा है लेकिन पीछे के साइड में रोटर नहीं घूम रहा है। तो ये पुल्ली अभी हम लोगों ने नया डाला है, INA का है, जर्मनी ओरिजिनल पुल्ली है। तो अभी इसको हम लोग फिटिंग करेंगे। और ये हमारा जूना पुल्ली जो कि पूरा डैमेज हुआ है, ख़राब हुआ है, वायरिंग टूट गया अंदर का देख सकते हो,
इसके लिए आवाज़ आ रहा था वो पूरा गड़गड़ 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 करके। तो अभी इसको हम लोग फिटिंग करते हैं और फाइनल जो हमारा रिजल्ट है वो देखते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग इसका अल्टरनेटर डाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। अभी इसका हम लोग अल्टरनेटर फिटिंग करके ले रहे हैं, देख सकते हो अंदर डाल दिया है। और अभी एक नीचे का बोल्ट है और ऊपर का एक बोल्ट है और एक ब्रैकेट का बोल्ट है, तीन बोल्ट आते हैं उसमें। तो अभी हम लोग फिटिंग करके ले रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर का भी बोल्ट फंसा के ले रहे हैं, ये देख सकते हो। गाइस अल्टरनेटर हम लोगों ने फिटिंग कर दिया है और अभी इसका ऑयल फिल्टर लगा के लेंगे अच्छे से। तो अभी हम लोग ऑयल फिल्टर डाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ऑयल फिल्टर फिटिंग करके ले रहे हैं हम लोग और उसके बाद मेन पुल्ली लगाएंगे। टेंशनर लगा दिया है जो खोला था, यहाँ पे देख सकते हो टेंशनर वगैरह सब फिटिंग करके ले लिया है अच्छे से। तो यहाँ पे ऑयल फिल्टर लगा दिया हम लोगों ने, देख सकते हो आप लोग। और अभी इसको टाइट करके लेंगे, 32 का पाना लगता है। ऑयल फिल्टर लगा दिया है और अभी मेन पुली लगाएंगे उसका। यहाँ पे उसका खांचा आता है वो देख के लगाना है प्रॉपर। अभी ये लेंगे टाइट करके ले लेंगे अच्छे से। यहाँ पे अभी हम लोग मेन पुली टाइट करके ले रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी इसका बेल्ट चढ़ा के ले रहे हैं हम लोग और अब इसका माउंटिंग का बोर्ड लगाएंगे हम लोग। जैक चढ़ाओ। यहाँ पे माउंटिंग टाइट करके ले रहे हैं हम लोग, तीनों बोर्ड लगा दिए। गाइस यहाँ पे हम लोग ने सब फिटिंग करके ले लिया है और बेल्ट वगैरह भी चढ़ा दिया है। जो हमने माउंटिंग का बोर्ड खोला था ऊपर से वो भी लगा दिए और अभी सब फिटिंग करके ले रहे हैं अच्छे से। और सब फिटिंग होने के बाद एक बार इंजन स्टार्ट करके देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था। 90% तो सॉल्व हो ही जाएगा क्योंकि पुल्ली पूरी टूटी थी हमारी। यहाँ पे हम लोग सब टाइट करके ले रहे हैं अच्छे से। अभी गोला वगैरह भी सब खोला था वो भी फिटिंग कर लेंगे क्योंकि वो सब खोलना ही पड़ता है अल्टरनेटर खोलने के लिए। तो गाइस सब फाइनली हम लोगों ने सब फिटिंग कर दिया है और अभी जैक डाउन कर रहे हैं, उसके बाद इंजन स्टार्ट करके देखेंगे। सब फिटिंग करके ले लिया अच्छे से और अभी इंजन को स्टार्ट करेंगे और जो हमारा आवाज़ आ रहा था वो गया क्या देखेंगे। तो अभी इंजन को स्टार्ट करेंगे, देखते हो जो आवाज़ आ रहा था कि गया है क्या। स्टार्ट करो भाई। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा आवाज़ आ रहा था पहले वो चला गया है और गाड़ी हमारी साइलेंट हो गई है। जो हमारा पहले डग 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 का प्रॉब्लम आ रहा था वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है फाइनली। हम लोगों ने पुल्ली रिप्लेस किया है, अल्टरनेटर का पुल्ली आप लोग देख सकते हो जो पुल्ली डाला मैंने नया। इंजन स्टार्ट करके रखा है, अंदर से भी देखेंगे एक बार बंद करके स्टार्ट करके। जो चेक लाइट आया है उसको रिसेट कर देंगे। अच्छा तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट किया है और जो हमारा बाहर का आवाज़ आ रहा था इंजन का वो हमारा क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे इंजन कंपार्टमेंट में कोई आवाज़ नहीं है, एकदम गाड़ी हमारी साइलेंट हो गई है। प्रॉब्लम था हमारा अल्टरनेटर पुल्ली का, तो पुल्ली हम लोगों ने डाल दिया और हमारा इंजन अभी स्टार्ट है, देख सकते हो आप लोग। और जो हमारा इंजन का जो नॉइस था जो कि कस्टमर को बहुत तकलीफ दे रहा था वो हमारा क्लियर हो गया है।
तो गाइस फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।